नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख सकते हैं ये अलौकिक नजारा। जी हां, मैं माँ गंगा के आंचल में इस वक्त बैठा हूं और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं अलौकिक नजारा है माँ गंगा का ये, और ये टेंट सिटी मैं पहली बार आया और हाल ही में इस कॉन्सेप्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया है। ये अलौकिक नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका विजन, उनका एक रोड मैप एग्जीक्यूट करना और पूरा कॉरिडोर बना देना, सब कुछ करना, अब काशी का कायाकल्प हो गया है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी अविनाशनी है, पुराणों से भी प्राचीन है, इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है और भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। आपसे जानना चाहूँगा कि काशी में और क्या क्या होने वाला है। देखिए, काशी अविनाशी है और ये हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अविनाशी काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। आज काशी में जो कुछ भी दिख रहा है काया भले ही पुरातन हो, लेकिन वह एक नए कलेवर के रूप में जो आज देखने को मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से यह आज काशी के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे वह अविरल और निर्मल गंगा हो, चाहे टेंट सिटी हो, या फिर काशी के अंदर अन्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, या फिर भौतिक विकास से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी बड़े अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सभी उसी श्रृंखला के हिस्से। योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था आप दूसरी बार चुनकर आए हैं, क्या कभी यहाँ कोई परिवर्तन ला सकता है? लेकिन 6 साल में बहुत परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बढ़ी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कई सारी इंडस्ट्रीज आई, कई सारे कॉरिडोर्स बने, एक्सप्रेसवे बने। मैं जानना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश आपको मिला था 2017 में, उससे लेकर 2023 और अब वो उत्तर प्रदेश जिसमें G20 जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों के जो सम्मेलन हो रहा है, उसके 11 कार्यक्रम हो रहे हो, ये सफर कैसा रहा? देखिए, मार्च 2017 में जब हम लोग आए थे, खजाना प्रदेश का खाली था, प्रदेश की छवि बहुत खराब थी और उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की जो धारणा थी बहुत ही नेगेटिव थी। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया, सरकार गठन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने मुझे प्रदेश का दायित्व दिया। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जो GDP है उसको हम दोगुना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश की छवि को वैश्विक मंच पर बेहतर बनाने में हमें मदद मिली है और उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदली है। इसके लिए डबल इंजन सरकार को प्रयास करने पड़े, कानून का राज हो, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ हो सकता था केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर वो पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया। आज परिणाम हम सबके सामने है कि जब हम 6 वर्ष बाद प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं,
तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन बन रहा है जो उत्तर प्रदेश की देश से यहाँ की अर्थव्यवस्था को, देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा करने में जहाँ महती भूमिका का निर्वहन करेगा, वहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए लाखों रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। दूसरा, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को G20 से संबंधित कुछ समिट के आयोजन करने का अवसर भी दिया है। ये भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व उनके पास है और आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ही भारत को G20, जो दुनिया के 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया पर एकाधिकार है, उन सभी 20 बड़े देशों के अध्यक्षता भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर उससे होने वाले समिट से भारत को वैश्विक मंच पर दुनिया के उन बड़े देशों के बीच में अपने आप को स्थापित करने का अवसर तो प्राप्त होगा ही, भारत की सामर्थ्य को और राज्य की सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर एक नई उड़ान भरने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री, हमसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? जनता जनार्दन के द्वारा बार बार जनता जनार्दन की अदालत में पिटे हुए मोहरे विकास और निवेश के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की हर साजिश को करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनको बहुत महत्व नहीं देने वाली है। क्या आपको लगता है कि उनको लगता है कि किसी और मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व या राष्ट्रवाद, इस पर बीजेपी को पीछे रखना या उनको उनसे आगे निकल जाना मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा है कि भाई जातिवाद कर दिया जाए, अब ये कह दिया जाए कि अगड़े हैं और ये पिछड़े हैं और यही इनकी बहुलता है, तो क्या ये जातिवादी राजनीति फिर चल पाएगी उत्तर प्रदेश? देखिए, जब उनके पास शासन था तब उन्होंने क्या किया? किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लिए क्या उन्होंने किया? तब तो प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरस रही थी, अच्छी शिक्षा के लिए तरस रही थी, तब प्रदेश की जनता स्वास्थ्य के लिए तरस रही थी, अच्छी सड़कों के लिए तरस रही थी, पहचान के संकट का एक गंभीर चुनौती प्रदेशवासियों के सामने उन्होंने खड़ी कर दी थी। इसलिए प्रदेश की जनता सब जान रही है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली। तो जातिवाद की राजनीति आपको नहीं लगता कभी फिर नहीं, एक बार कभी नहीं सफल हो पाएगी? कभी नहीं सफल हो पाएगी जो कोशिश हो रही है, शूद्र अछूत? देखिए, कभी नहीं सफल होने वाले हैं। प्रदेश की जनता ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है, आज उससे उभर करके एक विकास की नई सोच के साथ वो आगे बढ़ चुकी है, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। कई संगठनों ने तो यहाँ तक मांग उठाई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाए, जो बातें उन्होंने रामचरित मानस के लिए बोली है। आपने सरकार ने भी उनके ऊपर FIR की और दंगा भड़काने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए जो नॉन अवेलेबल है, क्या आगे चल के गिरफ्तारी होगी? अभी चीजें आगे बढ़ेंगी, चलने दीजिए, समय आने पर सारी कार्रवाई एजेंसी अपने स्तर पर करेंगी। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ और आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाल ही के दिनों में जो नया फैशन बना है कि सनातन के बारे में कुछ भी टिप्पणी करो या सनातन से जुड़े हुए लोगों के बारे में कुछ भी करो, वाकई में आपने सनातन को राष्ट्रीय धर्म कहा था कि भाई ये एक तरह से हमारा राष्ट्रीय धर्म है, क्या सनातन जो है कैसे राष्ट्रीय धर्म है, ये आपसे संक्षेप में समझना चाहूँगा। और दूसरा, सनातन को पर आरोप लगाना या उनके संत महात्माओं के ऊपर सवाल खड़े करना, क्या ये नया फैशन है लिबरल लोगों का? देखिए, एक बात हमें जरूर ध्यान देना होगा, हर देश, हर व्यक्ति की, हर देश की अपनी एक आत्मा होती है जो उसकी पहचान होती है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में निवास करती है और ये भारत की पहचान भी है।